दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फिल्म विलन के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर फिल्म में विलन ना हो तो फिल्म देखने में मजा ही नहीं आता। एक विलन ही ऐसा कैरेक्टर होता है जो कहानी को एक अलग मोड़ पे लाता है और कहानी को चटपटा बनाता है। और ऐसे ही हमारे बॉलीवुड के दमदार कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में खूंखार खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों को खूब डराया था। लेकिन दोस्तों इन खलनायकों के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं जो दिखने में काफी खूबसूरत लगती। अगर आप भी इनकी ब्यूटीफुल पत्नियों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही डेंजर विलन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, सयाजी शिंदे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सबसे खतरनाक खलनायक की बात की जाए तो सबसे पहले सयाजी शिंदे का नाम आएगा, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खलनायकी का जलवा बिखेरा है। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम वंदना शिंदे है, जिनसे इन्होंने साल 1980 में शादी की थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, और इनका एक बेटा भी है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी एक हाउस वाइफ है और इन्होंने लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये कभी कभी अपने पति के साथ दिखाई देती हैं। नंबर 4, कबीर बेदी। खून भरी मांग का होना प्यार है और मैंने दिल तुझको दिया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी खूंखार खलनायकी से सभी को प्रभावित करने वाले अभिनेता कबीर बेदी आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम परवीन दुसंज है, जो कि प्रोफेशन से एक मॉडल, एक्ट्रेस और टीवी प्रोड्यूसर है, जिनसे इन्होंने साल 2016 में शादी की थी, जिसके साथ आज ये काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परवीन दुसंज से शादी करने से पहले इन्होंने दो शादियां की थी। पहली शादी प्रतिमा बेदी से और दूसरी शादी निक्की बेदी से, पर ये दोनों के साथ इनके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और तलाक हो गया। नंबर 3, कैली दोर्जी। बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री में सबसे खूंखार विलन में एक नाम शुमार होता है कैली दोर्जी का, जिन्होंने डॉन नंबर 1, टैंगो चार्ली और द्रोणा जैसी कई फिल्मों में अपनी खूंखार विलन वाली छवि से दर्शकों को खूब डराया है। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी के बारे में तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन एक समय में ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। आपको बता दें वे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता थी। लारा दत्ता और इनका प्यार काफी गहरा था, दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम शेयर करते थे, पर कुछ समय बाद लारा दत्ता ने इन्हें धोखा देकर टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से शादी कर ली, जिसके बाद इन्होंने किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। नंबर 2, प्रदीप रावत। गजनी और सरफरोश जैसी कई फिल्मों में अपनी खतरनाक खलनायकी का जलवा बिखेरने वाले अभिनेता प्रदीप रावत एक ऐसे खलनायक हैं जिन्होंने फिल्मों में खतरनाक किरदार निभाकर दर्शकों को खूब डराया है। अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम कल्याणी रावत है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, पर इन दोनों को देखने को नहीं लगता कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी एक हाउस वाइफ है और घर पर ही रहकर अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, पर कभी कभी ये अपने पति के साथ फंक्शंस में नजर आती हैं। नंबर 1, प्रेम चोपड़ा। पुरानी फिल्मों में ज्यादातर खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले एक्टर प्रेम चोपड़ा आज भी विलन की लिस्ट में शुमार हैं। इन्होंने 50 साल की फिल्मी करियर में तकरीबन 350 से भी ज्यादा फिल्मों में जबरदस्त किरदार निभाए हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम उमा चोपड़ा है, जिनसे इन्होंने साल 1969 में शादी की थी और आज भी दोनों एक साथ हैं। इस शादी से इनकी 3 बेटियां हैं जो अपनी लाइफ में सेटल हैं। आपको बता दें इनकी पत्नी एक हाउस वाइफ है और जो लाइमलाइट भरी चकाचौंध से काफी दूरी बनाए रखती हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी विलन में से किस विलन की पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।